जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के स्पेशल क्लासेस में एमपीजी के टॉप आईएमपी क्वेश्चन, जो कि आपकी आने वाली एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और अभी तक हमने एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराए थे ना, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के समय, वह सभी आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आने वाली एग्जाम्स के लिए भी आप एमपी जीके हमारे चैनल से ही जरूर पढ़ें। और यदि आप लोगों को टॉपिक वाइज एमपी जीके देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जोशीले लाइन हो जाए जो कि हमारे जोश को और बढ़ाएंगी। तो देखिए आज की जो लाइन है वो है, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो कड़ी मेहनत करता है। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर कड़ी मेहनत शुरू कीजिए ताकि आने वाली किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग मध्य प्रदेश के जो मैप होता है, नक्शा होता है, इससे रिलेटेड जो चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें पहले देख लेते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर पूछे जाने वाले इस मैप से चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तब आपका आंसर होगा सिंगरौली, जो इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो सबसे पश्चिमी जिला वो कौन सा है। तब आपका आंसर होगा अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश में जो सबसे कम लिटरेसी रेट है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है वो कौन सा है, अलीराजपुर ही है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है यदि आपसे पूछा जाए तो वो है मुरैना। और मुरैना मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। और यह किस नदी के कारण मृदा अपरदन से प्रभावित है, तो चंबल नदी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है चौथे नंबर का कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है। तब आपका आंसर होगा बुरहानपुर, जिसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है आदेश श्रीवास्तव, आदेश श्रीवास्तव का संबंध किससे है। फिल्म निर्देशक थे, संगीत निर्देशक थे या अभिनेता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, आदेश श्रीवास्तव एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है वो देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा है शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। शहद उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपको फटाफट बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, मुरैना। मध्य प्रदेश में शहद उत्पादन के लिए मुरैना जिले को जाना जाता है। और मुरैना जिला जो है ना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित है। अभी मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन से प्रभावित सर्वाधिक जिला कौन सा है, तो वो जिला है हमारा मुरैना जिला। और किस नदी के कारण यहाँ पर मृदा अपरदन होती है, तो चंबल नदी के कारण। चंबल नदी जो है यह मध्य प्रदेश राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। इसका जो उद्गम है वो इंदौर के निकट महू के जानापा पहाड़ी से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल है। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश में कितनी हेरिटेज साइट्स हैं या विश्व धरोहर स्थल है, यह आप लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए हैं 4, 2, 3 या 5। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3। कितने हैं, 3। मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल है। तीनों के नाम क्या है, तो पहला है खजुराहो। पहला कौन सा है दोस्तों, खजुराहो। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है भीमबेटका। दूसरा कौन सा है, भीमबेटका। और तीसरा कौन सा है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो तीसरा जो है ना दोस्तों वो है सांची स्तूप। कौन सा है, सांची स्तूप है। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। यह मध्य प्रदेश के 3 ऐसे प्रमुख स्थल है जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। खजुराहो की बात कर ली जाए ना, तो खजुराहो में जो खजुराहो मंदिर है, इनका निर्माण किसने कराया था, चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने यहाँ पर टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया है, जिनमें से वर्तमान में 22 ही अस्तित्व में है। खजुराहो का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कंदरिया महादेव मंदिर है। कौन सा मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसकी तुलना जो है भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया यदि आपसे पूछा जाएगा, तो चंदेल शासक विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आप लोगों को खजुराहो से रिलेटेड ये जानकारी याद रखना है। खजुराहो में प्रत्येक वर्ष खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और साथ ही साथ खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को खजुराहो से याद होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा पूछा है यहाँ पर दूसरा जो स्थान है वो है भीमबेटिका। भीमबेटिका कहाँ स्थित है? तो यह रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। रायसेन ये जो है ना आपका भीमबेटिका, ये क्या है? आदि मानव काल के शैलाश्रय है। आदि मानव काल के क्या है? प्राचीन शैलाश्रय है। तीसरा जो स्थान है हमारा जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है वो है सांची स्तूप। सांची स्तूप कौन से जिले में यदि आपसे पूछा जाए तो विदिशा जिले में किसके द्वारा निर्माण कराया गया? सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था। या एक जो अशोक है किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो सांची स्तूप का संबंध भी किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। आप लोगों से ऐसा भी पूछा जा सकता है। अशोक जो है यह एक मौर्य वंशी सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्या पूछा गया दोस्तों? होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर चार, वर्ष 1967 में होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना का स्थापना की गई थी। और इस कागज कारखाने में जो है ना देवास बैंक नोट प्रेस है ना, देवास में, मध्य प्रदेश के देवास में जो बैंक नोट प्रेस है ना, इसके लिए क्या किए जाते हैं? नोट बनाए जाते, नोट के कागज बनाए जाते हैं। देवास बैंक नोट प्रेस के लिए होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाने में क्या बनाए जाते हैं? कागज बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है, तो देखिए, चिंताहरण गणेश मंदिर एवं श्री रानी सती दादी जी का जो मंदिर है किस जिले में स्थित है? चिंताहरण गणेश मंदिर और श्री रानी सती दादी जी का जो मंदिर है किस जिले में स्थित है दोस्तों, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो क्या होने वाला है ये आपको बताना है। आगर मालवा, इंदौर, ग्वालियर या रीवा, कौन सा जिला इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगर मालवा। आगर मालवा जिले में चिंताहरण गणेश मंदिर एवं श्री रानी सती दादी जी मंदिर स्थित है। अब अगर आगर मालवा की बात कर ली जाए ना तो यह मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। मध्य प्रदेश का 51वां जिला है जिसकी स्थापना कब की गई? तो जिसकी स्थापना की गई 16 अगस्त 2013 को। कब की गई दोस्तों? 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो टोटल 52 जिले हैं। और मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है ना वो कौन सा है? तब आपका आंसर क्या होगा? निवाड़ी। और इसे कब मध्य प्रदेश का जिला बनाया गया? तो 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके, किस जिले से अलग करके? टीकमगढ़ से अलग करके मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया। और इसका जो क्षेत्रफल है ना वो कितना है? 1318 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान समय की अगर बात की जाए 2022 के हिसाब से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला जो है ना दोस्तों वह कौन सा है? तो वह आंसर होगा निवाड़ी है। 2013 के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा था? तब आपका आंसर होता आगर मालवा। और यदि आपसे पूछा जाता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, तब दतिया आंसर था। ठीक है, तो तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2011 के अनुसार दतिया था, 2013 के अनुसार आगर मालवा था, और 2022 वर्तमान की अगर बात कर ली जाए तो निवाड़ी जिले के गठन के बाद निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला बन गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन से जिले में मैग्नीज के बड़े भंडार पाए गए हैं? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और पूछा गया है कि मैग्नीज के बड़े भंडार कहाँ पाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताइए, जबलपुर, बैतूल, दतिया या बालाघाट, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार। कौन सा है? ऑप्शन नंबर चार। ये जो बालाघाट है ना, बालाघाट के भारवेली, कौन सी खदान? भारवेली, ये इसका नाम है दोस्तों, ये खदान का नाम है भारवेली खदान जो है ना। बालाघाट जिले की जो भारवेली खदान है या एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बालाघाट को मैग्नीज नगरी के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 2010 में 200 रनों की पहली पारी खेली थी? सचिन तेंदुलकर ने 200 रनों की पहली पारी किस स्टेडियम में खेली थी? आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताइए, होलकर स्टेडियम इंदौर, होलकर स्टेडियम ग्वालियर, कैप्टन रूप से स्टेडियम इंदौर या कैप्टन रूप से स्टेडियम ग्वालियर। तो यहाँ अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेडियम कहाँ है। अगर स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखना है तो उसका एक वीडियो हमने अलग से बनाया है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर चार, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, इन्होंने
अपने 200 रनों की पहली पारी 2010 में कहां खेली? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि वीरेंद्र सहवाग ने 219 रनों की अपनी पहली पारी मतलब दोहरा शतक, अपना पहला दोहरा शतक जिसमें उन्होंने 219 रन मारे, मध्य प्रदेश के किस क्रिकेट स्टेडियम में मारे थे, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो दोनों महान खिलाड़ी एक सचिन तेंदुलकर, इन्होंने भी मध्य प्रदेश के कैप्टन रूप से स्टेडियम ग्वालियर में अपनी पहली 200 रनों की पारी खेली, दोहरा शतक खेला। और बीरू ने भी अपना पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के ही एक स्टेडियम में खेला था, और किस स्टेडियम में खेला था हम अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में चंबल नदी का उद्गम होता है? दोस्तों क्या पूछा गया है, चंबल नदी का उद्गम कहां होता है? तो अभी मैंने, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो क्या होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर जिले के। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले के महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? जानापाव पहाड़ी से होता है। और चंबल जो है ना मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी होने के साथ इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 965 किलोमीटर है। चंबल नदी जो है ना यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य, किसके मध्य? मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य क्या बनाती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। और जो आपकी चंबल नदी है ना दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है अगर आप लोगों से पूछा जाए? तो चंबल जो है ना यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। तो चलिए, और ये अपने मार्ग में है ना खड्ड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? खड्ड का निर्माण करती है जो कि डाकुओं के छिपने के उपयोग में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है बड़े ध्यान से देखिए और आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है दोस्तों वर्ष 2015 में इंदौर जिले के, वर्ष 2015 में इंदौर जिले में किसने 32.2 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर खड़े होकर लगातार चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? आंसर होगा रत्नेश पांडे। किसने? रत्नेश पांडे ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर सेज स्थान है? ये जो सेज, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, ये होता है सेज का फुल फॉर्म। तो मध्य प्रदेश में ये कहां है? तो इंदौर और ग्वालियर दोनों ही स्थानों पर सेज स्थान है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है ना यहां पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित संभागों में किस संभाग में सर्वाधिक संख्या के जिले हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग है तो क्या आप लोग बता पाएंगे? मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग और 52 जिले हैं। तो यहां पर आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश में किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो बताइए जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या उज्जैन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर में। इंदौर में कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन और याद रखना है आप लोगों को, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो संभाग है ना वो कौन सा है? जबलपुर। कौन सा है दोस्तों? जबलपुर। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा आंसर होगा? इंदौर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, यहां पर पूछा है निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से किसमें एक किला एवं संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर है? एक किला भी स्थित है और संस्कृत शिलालेख के साथ एक गुफा मंदिर भी स्थित है। काना बाघ अभ्यारण, पन्ना बाघ अभ्यारण, पेज बाघ अभ्यारण या बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण, किसमें इसका राइट आंसर होने वाला है? तो इसका राइट आंसर जो है ना दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण जो है ना ये किस जिले में, यदि आप लोगों से पूछा जाए तो यह उमरिया जिले में। किस जिले में दोस्तों? उमरिया जिले में। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व में, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण या हम इसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बोलते हैं, इसमें 2000 वर्ष पुराना किला है। 2000 वर्ष पुराना क्या है दोस्तों? एक किला बना हुआ है। और इसमें से जो होता
आपके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इसमें से क्या है, इसमें से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है दोस्तों? चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। इससे रिलेटेड जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किसकी पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ टाइगर रिजर्व कौन सा? आंसर होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि उमरिया जिले में है। इसमें एक 2000 वर्ष पुराना किला भी है, साथ ही साथ संस्कृत शिलालेख के साथ एक गुफा मंदिर, और इसके मध्य से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रभावित होती है? चरण गंगा नदी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व किस टाइगर रिजर्व का है? सर्वाधिक बाघ घनत्व किस टाइगर रिजर्व का है? तब आपका आंसर क्या होगा? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा दोस्तों, तो देखिए पूछा है मध्य प्रदेश राज्य पशु कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, जो बारहसिंगा है, या मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पशु है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है, तब आपका आंसर होगा महासीर। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मलखंब। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तब आपका आंसर होगा बट या बरगद। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो सफेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु तो ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया है भोपाल में हाल ही में स्थापित शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक किसको समर्पित है, आप लोगों से पूछा गया है। ये जो शौर्य स्मारक है ना भोपाल में, ये किसे समर्पित है, आप लोगों से पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चार, शहीदों को। ये जो है ना शहीदों के शौर्य के लिए बनाया गया स्मारक है, शहीदों के शौर्य को प्रदर्शन करने के लिए बनाया गया स्मारक है शौर्य स्मारक। कहां स्थित है? भोपाल में, और यह शहीदों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा है दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 की सिर्फ 50 रैंकिंग में मध्य प्रदेश के। तो ये अब आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2017 का करंट अफेयर था, इसे हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और कौन सा जिला विभाजित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर एक, सिवनी जिला। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और सिवनी जिला विभाजित करता है। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है ना दोस्तों, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सिवनी जिले में। किस जिले में स्थित है? सिवनी जिले में। इसमें से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो पेंच नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पेंच नदी प्रवाहित होती है, जिसके नाम पर ही इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है, मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है, तो आपका आंसर होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है। और आप लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा, द जंगल बुक, द जंगल बुक, जिसका एपिसोड आप लोगों के टीवी पर भी आता है, आपने देखा होगा मोगली नामक के एक एपिसोड आता है द जंगल बुक के नाम से, जिसकी रचना किसने की, द जंगल बुक इसकी रचना किसने की है, रुडियार्ड किपलिंग ने। किसने की है इस बुक की रचना? रुडियार्ड किपलिंग ने। और किस बेस पर की है, तो रुडियार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक, ये जो मोगली नामक जो नाटक लिखा है ना, यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर ही लिखा है। यह जो एक आप लोगों का जंगली लड़के से रिलेटेड ये जो कहानी है ना, ये कहां से संबंधित है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, और यह एक असली कहानी है। ठीक है, इसे किसने लिखा है, इस बुक को? रुडियार्ड किपलिंग ने लिखा है। ठीक है, और मोगली लैंड कहां विकसित किया जा रहा है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है, सिवनी जिले में है। किस नदी के किनारे है? पेंच नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्या पूछा गया है, बरगी बांध किस नदी पर है, पूछा गया आप लोगों से बरगी बांध किस नदी पर है, तो बताइए चंबल, नर्मदा, ताप्ती या महानदी, बरगी बांध किस नदी पर स्थित है, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, नर्मदा नदी पर। बरगी डैम की बात की जा रही है, तो ये चंबल पर गलती से लग गया, बरगी डैम जो है वो कहां स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी की बात की गई है, तो नर्मदा जो है ना मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है, यदि आप लोगों से पूछा जाए
तब आपका आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी, तब आपका आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है और टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है ना वो है 1077 किलोमीटर। ठीक है, इतनी है इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर। इसका उद्गम कहां से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई गुजरात राज्य के बाद खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है और यह अपने मुहाने पर एस्टुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अपने मुहाने पर एस्टुरी का निर्माण करती है और इसी पर दुग्धधारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात भी स्थित है जो कि काफी फेमस है। भेड़ाघाट में दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है, किस नदी पर, नर्मदा नदी पर ही स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जो अनमोल रत्न है कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है कि कान्हा का गहना या कह सकते हैं हम कान्हा का अनमोल रत्न किसे कहा जाता है, कान्हा का गहना कहकर इसे संबोधित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में ऐसा पूछा भी जाता है कि कान्हा का गहना किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, बारहसिंगा। और किस जनजाति, किस जाति का बारहसिंगा, तो ब्रेडरी जाति का। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता, पूरे भारत में ब्रेडरी जो जाति है इसका बारहसिंगा जो है ना वो सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। इसे कान्हा का गहना या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न के रूप में भी जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर जारी किया था और इस शुभंकर का नाम क्या था, अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा, क्या नाम था इसका, भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब आपका आंसर कौन सा होगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी करने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ली जाए ना, तो इसे एस्टेब्लिश या स्थापना इसकी कब हुई, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है ना दोस्तों ये कब की गई, तब आपका आंसर होगा 1 जून 1955 को। 1 जून 1955 को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की क्या गई दोस्तों, स्थापना की गई और इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया इसे प्रोजेक्ट टाइगर में, तो वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। कान्हा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर है और ये किन जिलों में फैला हुआ है, तो ये बालाघाट और मंडला जिलों में फैला हुआ है और इसमें से सुवर्ण नदी होकर प्रवाहित होती है। तो यह सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इससे रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, तो यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे यहां पर आपसे पूछा गया है फाग किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है फाग जो है किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 निमाड़ क्षेत्र का। फाग जो है ना यह निमाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है। निमाड़ की अगर बात कर ली जाए तो निमाड़ को दो भागों में बांटा गया है, एक को पूर्वी निमाड़ कहा जाता है और दूसरे को पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है दोस्तों। एक को पूर्वी निमाड़ और दूसरे को क्या कहा जाता है, पश्चिमी निमाड़। अब आपको बताना है कि पूर्वी निमाड़ में कौन सा जिला आता है और पश्चिमी निमाड़ में कौन सा जिला आता है, बताइए। तो पश्चिमी निमाड़ में खरगोन जिला आता है, कौन सा जिला आता है, खरगोन जिला आता है। और पूर्वी निमाड़ में कौन सा जिला आता है, तो खंडवा जिला आता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फाग निमाड़ से संबंधित है और निमाड़ को दो भागों में, पश्चिमी निमाड़ किसे कहा जाता है, खरगोन जिले को, और पूर्वी निमाड़ के नाम से किसे जाना जाता है, खंडवा जिले को जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप क्वेश्चन जो कि हमने आप लोगों को कराए एमपी जीके से रिलेटेड, और साथ ही साथ हमने सारे क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया और साथ ही साथ यदि आप लोग इंडिया जीके और एमपी जीके के, इंडिया जीके और एमपी जीके के सबसे बेस्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं ना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आप लोगों को मैप के अनुसार भी सारी डिटेल्स बताई जाएगी, इस मैप में आपको पढ़ाया जाएगा कौन सी चीज कहां है, किस तरीके से, सारा मैप के हिसाब से भी समझाया जाएगा, साथ ही साथ टॉपिक वाइज
और चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए एमपी जीके और इंडिया जीके के क्वेश्चन लाए जाएंगे ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन और बेहतर हो पाए और आप लोगों का भी आने वाली सभी एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।